ये जो मुझे समय दिया गया इसमें थोड़ा मैं क्या, मैं पूरा पीएचडी करवाता हूँ और मुझे बोला कि 12th को पढ़ा दो। तो ठीक है, एक बार बहुत पहले की बात है, एक इंसान सोच रहा था कि यार सक्सेस का फॉर्मूला क्या है या कौन भविष्य में सक्सेसफुल होगा। वो बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। तो बोले यार मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, किससे पूछूं। महान दार्शनिक सुकरात, उनके पास गया, पूछा कि आखिर मैं सफल कैसे हूं, आप मुझे बताओ क्या मेरे अंदर वो क्वालिटीज है कि मैं सफल हो सकता हूं। तो बोले ठीक है बताता हूं। तो बोले काम करना, कल सुबह दरिया किनारे आ जाना। वो दरिया के किनारे आया, आके उन्होंने बोला दरिया में उतर जा। वो उतर गए, बोले प्रणाम कर, प्रणाम करा, बोले थोड़ा सा झुक, बोले थोड़ा सा झुका, बोले आप पानी में एक डुबकी मार। पानी में डुबकी मारी, वैसा का वैसा उसका गर्दन अंदर पकड़ लिया, बोले बाहर निकल। वो तड़प रहा, वो बोले छोड़ो नहीं छूटे, बोले छोड़ो नहीं, बोले छोड़ो नहीं छूट, दबा के रखा हुआ 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड हो गए। आखिरी में छटपटाया, छोड़ दिया। बोले क्या मारने वाले थे क्या, बोले क्या मुझे मारने वाले थे क्या। तो बोले नहीं, तूने तो पूछा था कि सफलता का मंत्र, बोले ये सफलता का मंत्र है क्या। बोले मैं तो अच्छा नहीं आता, तो इससे अच्छा था आपसे पूछते ही नहीं। तो बोले यार तूने पूछा तो जवाब सुन। तो फिर जब उन्होंने जवाब दिया कि जब तू पानी के अंदर था तू क्या सोच रहा था, बोले एक ही बात, बोले बाहर आना है। बोले और कुछ, सब्जी भाजी के ख्याल, बोले नहीं। बोले और कुछ, बीवी बच्चों के ख्याल, बोले नहीं। कौन सा ख्याल है, कौन से विचार आ रहे, बोले एक ही विचार कि मुझे पानी से बाहर आना है और उसके लिए मैं तड़प रहा था, एक्शंस ले रहा था। तो बोले सफलता यही है कि किसी भी फील्ड में हम हो, हमको हमारे ब्रेन से पूछना पड़ेगा कि उसको कौन कौन से विचार आते दिन भर। अगर आपको निरंतर MDRT, निरंतर पैसे कमाने का, निरंतर सफल होने के विचार आ रहे हैं, तो निश्चित आप भविष्य में एक सफल इंसान बनोगे। और अगर नहीं आ रहे तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। और यही बात एक बुक है, थिंक ग्रो एंड रिच, नेपोलियन हिल की। नेपोलियन हिल जिन्होंने 500 लोगों पे रिसर्च की थी, जिसमें 30 अरब खरबपति लोग थे, कितने 30, और उन्होंने सबसे पहला निष्कर्ष दिया था कि यार कौन सी क्वालिटी है इसके अंदर। तो एक जो इन सब के अंदर कौन सी क्वालिटी है, एक क्वालिटी उन्होंने बताई थी कि बर्निंग डिजायर। ये लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए सोचते थे, क्या सोचते थे, ये 25 जगह नहीं सोचा इनने, सिर्फ एक ही चीज के लिए सोचा, 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 और सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टारगेट किया था, उनको सिर्फ एक ही विचार आया था। तो आज हम कैसे पता करें कि हम, अब वो तो नेपोलियन हिल भी गए और सुकरात जी भी, तो हम कैसे पता करें कि हम भविष्य में सक्सेसफुल और ज्यादा होंगे या नहीं, कैसे पता करें। एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं मैं आपको, और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत नॉर्मल फॉर्मूला, कि किसी भी जगह किसी भी इंसान की बातचीत को आप सुन लो। किसी भी जगह दो चार लोग खड़े होते हैं ना, चाय की दुकान पे या कहीं पे भी, उनकी बातचीत को सुन लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इंसान भविष्य में सक्सेसफुल होने वाला है या ये इंसान भविष्य में असफल हो जाएगा। सिर्फ उनकी बातचीत से आप अंदाज लगा सकते हो। देखो उनके कुछ अंश बता रहा हूं, जो मेरा मानना है कि जो असफल होने वाले लोग हैं ना, वो किस टाइप की बातें करते हैं। पहले नंबर पे ये असंभव है, सेकंड नंबर ये नहीं हो सकता है, थर्ड नंबर कोई भी नहीं कर सकता है काम, कोई भी नहीं कर सकता। देखो रिबेट का कभी हम कैंसिल करने का बोलते हैं, बोले इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल। मेरे यूट्यूब पे मैंने रिबेट का वीडियो डाला, उसके नीचे स्क्रोलिंग में कहता है सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग आज रिबेट नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये भविष्य में असफल लोगों की निशानियां हैं, साथ में कोई रास्ता नहीं है ये वो मान चुके होते हैं, कोई रास्ता नहीं है वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, और साथ में बहुत मुश्किल है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आपने सुना होगा तो वो उनके लिए निगेटिव दिशा में काम करता है। किधर काम करता है, काम तो करता है लेकिन उनके शब्दों के अनुरूप वो उनके लिए निगेटिव दिशा में काम करता है और उनके लिए सारे दरवाजे बंद करता है, जो ऐसे वर्ड्स ही वापरता है। और देखना कि जिसकी पॉलिसी कम होगी
वो तो कंटिन्यूअस इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, अरे होता ही नहीं। और वहीं जो भविष्य में होने वाले सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ अलग तरह के वर्ड्स वापरते हैं। कौन से? संभव है, हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है। फिर मैं कर सकता हूं, पहले नंबर पे संभव है, हो सकता है, मैं कर सकता हूं, फिर कोई तो रास्ता होगा, फिर कोई तो रास्ता। वो इस दिशा में सोचते, वो किस दिशा में सोच रहे थे? नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं, कोई तो रास्ता होगा। और साथ में इनका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो किस दिशा में जाता है? पॉजिटिव वे में, क्योंकि ये अपने शब्दों के थ्रू खोज रहे हैं कि रास्ता क्या है, वो ब्लॉक करके बैठे। अब आपकी नजरों, आपके संदर्भ में उदाहरण को समझाऊं तो इस रूम के अंदर हमारे इन 100 साल के अंदर क्या इन्वेंशन या क्या आविष्कार हुए इस रूम के अंदर? माने ये टेबल भी आविष्कार है, ये प्रोजेक्टर, आपका लैपटॉप, आपके जो जेब में मोबाइल्स है, आपका पेन, ये बिल्डिंग तक एक आविष्कार है। हजारों लोग 100 साल के पहले इन सारी चीजों को नकार चुके थे कि ये नहीं हो सकता है। ये हजारों, एक कोई पागल आया और उसने क्या बोला? हो सकता है। तो हजारों लोगों के लिए उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने किधर काम किया? ना हो सकने में, और एक के लिए हो सकने में, कि ये कैसे होगा। तो सिंपल फॉर्मेट है कि हमको सबसे पहले क्या, हमारे वर्ड्स चेक करना पड़ेंगे कि हम लोगों से जब बातें करते हैं तो कैसी करते हैं। तो अगर हम सेल्स में हैं तो हमको सबसे पहले दूसरों को जीतने से पहले खुद से जीतना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त हम ही हमारे। तो सबसे पहले खुद को जीते बिना, खुद को पॉजिटिव किए बिना आप ग्राहक को नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। तो अगर हम अपने परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे प्रोडक्ट को आसानी से और तेजी के साथ बेचना आना चाहिए।